हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि महाबचत ऑफर चल रहा है 26 से लेकर के 31 जुलाई तक। तो आज से शुरू हुआ है ये महाबचत ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा तैयारी प्लस पूरी की पूरी 30% ऑफ पे। तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है सेव 30, और इस कूपन कोड को यूज़ करने के बाद में आपको मिलेगा 30% का ऑफ। फ़ायदे क्या क्या हैं भाई तैयारी प्लस के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको करंट अफेयर्स की प्रीमियम पीडीएफ, जो कि सिर्फ तैयारी प्लस के यूजर्स के लिए होती है, वो मंथली मिलेगी आपको। AITs देने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के टेस्ट, करीब 2000+ टेस्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो वो सब के सब टेस्ट आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ तैयारी प्लस पे। तो इसको परचेज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच कंपनी सरपास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू बिकम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूड फर्म बाय मार्केट वैल्यूएशन। फर्स्ट थिंग की स्टूडेंट्स, बीच में मैं कुछ दिनों से हिंदी में कंटेंट दे रही थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंग्लिश में कंटेंट चाहिए। ठीक, तो अब से जो कंटेंट है, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, कंटेंट विल बी इन इंग्लिश। समझाऊंगी मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में, तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यही पैटर्न को हम लोग आगे भी फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ऑप्शंस हैं आपके। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं, कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, ITC लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर ICICI बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, TCS जो है वो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए। किस टर्म्स में? तो मार्केट वैल्यूएशन के टर्म्स में। ठीक, अब इसके हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो TCS की जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 7,98,620 करोड़ जो है TCS की मार्केट वैल्यू है, जो कि करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है रिलायंस इंडस्ट्री से। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यू कितनी हो गई? 7,81,000 करोड़ के अराउंड। TCS की जो शेयर्स हैं वो 1.51% के अराउंड बढ़े हैं, बल्कि रिलायंस की जो है वो डिक्लाइन हुए हैं 2.1% तक। बाकी कंपनीज़ की बात करें तो टॉप 5 में और कौन सी है? सबसे पहली होगी TCS, दूसरी हो गई आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर है आपका HDFC बैंक, नेक्स्ट इज HDFC एंड फिर है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक, आगे अब TCS के बारे में अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, तो इसके CEO है राजेश गोपीनाथन, हेडक्वार्टर्स है इसका मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे SBI की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए SBI क्लर्क जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हो गया है और मेंस की वो तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली मेंस के लिए पूरे महीने पूरे जो हम लोग जनवरी से लेकर के जुलाई तक की करंट अफेयर्स का सेशन मैं शुरू करने वाली हूँ मंडे से दोपहर 1 बजे। तो एक एक दिन में करके हम लोग जनवरी की हम लोग फर्स्ट डे पढ़ेंगे मंडे को करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद में ट्यूसडे को हम लोग पढ़ने वाले हैं फरवरी की करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से हम लोग 7 डेज में 7 मंथ्स की करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे, तो उस सेशन को बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। और आपके जो फ्रेंड्स जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है और वो करंट अफेयर्स के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उन सबको सजेस्ट कर दीजिएगा, PDF अलॉन्ग विद वीडियो दोनों ही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ब्रांड हैज़ रिप्लेस्ड ओप्पो इंडिया एज द ऑफिशियल टीम इंडिया स्पॉन्सर? कौन सा ब्रांड ओप्पो इंडिया की जगह टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक बनने वाला है या बन गया है? ऑप्शंस आपके वीवो, पेटीएम, बायजूस या फिर रिलायंस जियो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बायजूस जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो यहाँ पे आप लोग ओप्पो देख रहे हो ना, ओप्पो इंडिया, इसकी जगह पर अब यहाँ पे बायजूस का जो लोगो है वो आएगा। ठीक है, बायजूस का नाम आएगा, और ये कब से आएगा? तो सितंबर 2019, उसके बाद में जो होम सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के साथ में, उसमें आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। ये अनाउंस किया है BCCI ने बायजूस, जिसको जो ओन्ड बाय है या जिसको ओन करता है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, एक बेंगलुरु बेस्ड एजुकेशन एंड लर्निंग ऐप है। ठीक है, रिमेंबर इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो शाहरुख खान है, TVs में हमेशा आता होगा, या वर्ल्ड कप के इतने मैच चल रहे थे तो उसमें शाहरुख खान जो है वो बायजूस का ऐड करते हुए आते हैं। दैट इज़ द कंपनी जो कि अब स्पॉन्सर कर रही है टीम इंडिया को। ठीक है, ऑफिशियली स्पॉन्सर कर रही है टीम इंडिया को। ये जो डील है, ये डील है 5 सितंबर से 2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। ठीक,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी. किसे फिर से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं बद्री नारायण शर्मा, जेसी चौहान, आमन शाह या फिर आर भाग्य देवी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, बद्री नारायण शर्मा. तो यहाँ पे बद्री नारायण शर्मा को फिर से बाकी की अगर हम देखें तो 2 सालों के लिए यहाँ पे फिर से चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का, जिसका काम ये होता है कि जो बेनिफिट्स हैं जीएसटी के रिड्यूस्ड प्राइसेस के वो कंज्यूमर्स तक पहुँचें. ठीक है, ये इसका मेन बेनिफिट है. अब यहाँ पे हम बद्री नारायण शर्मा की बात करें तो ये IAS ऑफिसर है 1985 बैच के, और ये जो हमारी कमेटी है इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, इन्होंने ही ये अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है. इस कमेटी में और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी जिसको यहाँ पे हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है. ना ये जो NAA है, ठीक है, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, इसमें और 3 मेंबर्स होते हैं जिसमें है जेसी चौहान जो कि चेयरमैन है टैक्स ट्रिब्यूनल हिमाचल प्रदेश से, फिर इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर आर भाग देवी एंड अमित शाह, ये 2-3 ही मेंबर्स जो है इसमें ऑलरेडी शामिल है. ये जो अथॉरिटी है 2017 में ये बनाई गई थी कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ट्यूनिशियन प्रेसिडेंट हु डाइड रिसेंटली. ट्यूनिशियाई राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया. ऑप्शंस हैं आपके मार्सेज मार्जुकी, फौद मेजबा, हबीब बारगुइबा या फिर बेजी कायद एसएस बसी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, बेजी कायद एसएबसी. इनका 92 ईयर्स की एज में निधन हो गया है, और ये पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री के. ठीक, ये जो पॉलिटिशियन है इनको हम ब्रिटेन की जो क्वीन है एलिजाबेथ द्वितीय सेकेंड, इनके बाद में सबसे ओल्डेस्ट हेड हैं किसी भी स्टेट के. ये पावर शक्ति जो इन्होंने पावर में आए हैं तो ये सत्ता में आए हैं 2014 में. अब ट्यूनिशिया के बारे में अगर हम बात करें तो जिसको हम कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ ट्यूनिशिया, ये एक मागरेब रीजन की कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका की. ठीक, इसके बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर इसका अल्जीरिया से लगता है वेस्ट और साउथ वेस्ट से, लीबिया से लगता है साउथ ईस्ट से, और मेडिटेरियन सी इसको सराउंड करता है नॉर्थ और ईस्ट से. प्रेसिडेंट इसकी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट इनकी डेथ के बाद में, तो वो बन गया मोहम्मद एनाकर, और प्राइम मिनिस्टर है यूसुफ चाहत. ठीक है, कैपिटल हो गई इसकी ट्यूनिस, और जो इसकी करेंसी है वो है ट्यूनिशियन दिनार. तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी. इसके अलावा और कौन से स्टैटिक फैक्ट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आपकी स्टैटिक जीको को बढ़ाने के लिए, मैं आप लोगों से आज कॉमेंट में सुनना चाहूँगी. तो ये मुझे आप लोग अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स. नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या है? ऑप्शन है 101, 102, 106 या फिर 103. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 103rd रैंक पर है इंडिया, इंडियन फुटबॉल टीम लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स में. ठीक, सो यहाँ पे जो है स्लिप हुई है 2 places इंडियन फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग्स में. और क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने लास्ट के जो 2 matches हैं वो हार गए थे इंटरकॉन्टिनेंटल कप के इस महीने में अहमदाबाद में. ठीक है, इंडिया की जो किटी में पॉइंट्स है वो है 1214 रैंकिंग पॉइंट्स, जो कि 5 points कम है प्रीवियस चार्ट से जो कि लास्ट मंथ इशू हुआ था. ठीक, अब इंडिया जो है 18th रैंक पर है अमंग एशियन कंट्रीज. एशियन कंट्रीज में टॉप पर है ईरान, 23rd रैंक पर है जो ग्लोबली, फिर इसके बाद में जापान, फिर कोरिया, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन कतर. अब यूनिवर्सली अगर हम बात करें ओवरऑल तो बेल्जियम टॉप पर है, 1st रैंक बेल्जियम की है, उसके बाद में ब्राज़ील 2nd, 3rd नंबर पे फ्रांस, 4th नंबर पे इंग्लैंड और 5th नंबर पे उराग्वे है. फीफा की बात करें तो प्रेसिडेंट है इसकी गियानी इन्फांटियो, हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज एक्रेडिटेड अ पीसीबी रन बायोमैकेनिक्स लैब इन. तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहाँ मतलब डैश स्थित बायोमैकेनिक प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करी है. ये बायोमैकेनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, लाहौर, दुबई या फिर लंदन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
और सॉरी ऑप्शन नंबर टू लाहौर। तो यहाँ पे मान्यता दी गई है पीसीबी के द्वारा रन किए जाने वाले एक बायोमैकेनिक्स लैब को लाहौर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा कि ये टेस्टिंग सेंटर बनेगा प्लेयर्स का जो कि बॉलिंग एक्शंस में सस्पेक्टेड पाए जाते हैं, जिन पे लाइक शक होता है कि उनके बॉलिंग एक्शंस को लेकर के, तो उनके टेस्टिंग के लिए सेंटर होगा। अब ये जो है फिफ्थ सेंटर बायोमैकेनिक्स लैब है जो कि क्रिकेट गवर्निंग बॉडी के द्वारा जिसको अप्रूव किया गया है। शहायर खान के टेन्योर के टाइम पर यह अप्रूव हुआ था, कंप्लीट हुआ था। बाकी के जो बेसिकली अगर हम बात करें तो उनके टेन्योर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो थे इलीगल बॉलिंग एक्शंस को रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे पांचवा है ये, तो बाकी के कहाँ पर स्थित है, तो नेशनल क्रिकेट सेंटर ब्रिस्बेन, लॉबॉर्ग यूनिवर्सिटी, श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी चेन्नई, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया, ये सारे अदर सेंटर्स हैं जहाँ पे कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को टेस्ट किया जाता है। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट सेशन में मंडे को। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग लाइक दिस। ऑफर का लाभ उठाइएगा और मंडे को SBI का जो स्पेशल सेशंस है मंडे से लेकर के नेक्स्ट संडे तक, तो उसमें बिल्कुल मेरे साथ में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।